तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम एक फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू। मुझे क्या करना होता है कि हर महीने अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना होता है, और मैं चाहता हूँ कि अटेंडेंस फॉर्मेट महीने के हिसाब से ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि हर महीने सैटरडे संडे अलग अलग डेज पे आते हैं, हर महीने का डेज अलग अलग होता है, हॉलीडे अलग अलग आता है। तो इन सबों का एक ये बन जाए कि जैसे मैं एक रन बटन एक माइक्रो को रन करूं और मंथ मान लीजिए मंथ में खुद डालूं तो उस महीने का मेरा अटेंडेंस बन जाए। ठीक है, तो हम चलिए चलते हैं विजुअल बेसिक पे, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट एम के मेक ए टी टी करके बना देते हैं। नाम कुछ भी दे दीजिए, बस समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल जिसका मैं लग देता हूँ मंथ एम, लिख देता हूँ कि एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और हमने यहाँ पे डाल दिया कि एंटर मंथ, क्योंकि हमें मंथ चाहिए एट ए टाइम जब रन हो तो उसी मंथ पे आगे बढ़े। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ हम यहाँ इसको डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि हमें बार बार टाइप अच्छा पड़े। अब जैसे कि मैं यहाँ ए टू पे मंथ लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे जो मंथ इनपुट हुआ है वो डालना चाहता हूँ ईयर के साथ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने डाला मंथ, और फिर रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू एम, एम के साथ हमने ईयर कर लिया। अब ईयर को हम ईयर फॉर्मूले से ले रहे हैं जो ताकि वो करेंट ईयर डाले। ठीक है सर, और इसमें बीच में हमें सेपरेशन भी चाहिए, तो डैश का सेपरेशन दोनों तरफ स्पेस और फिर इधर स्पेस और डैश और फिर कॉन्केट कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन करेंगे, मांगा मैंने मंथ दे दिया, मान लीजिए अभी चल रहा है नवंबर, तो NOV नवंबर दे दिया, तो नवंबर डालते ही देखिए नवंबर 2022 आ गया। आ गया सर, और जो हमने डाला वो डेट फॉर्मेट में ले लिया, 1/1/2011 का डेट ले लिया, दिख रहा है सर ऑटोमेटिकली। सर इसमें अगर कोई इसमें अगर एनओवी कोई अगर एनओवी एमबीएल डालता तो भी ये तो भी बराबर बराबर ऐसे ऐसे, आता। तब उस समय कंडीशन लगाना पड़ेगा कि भाई डेट डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? नहीं सर, नहीं क्लिक क्योंकि हुआ। अगर ऐसे अभी जो अगर नहीं समझता हूँ अभी यहाँ, हाँ इसमें पूरा किसी नवंबर डाला फिर भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ एनओवी मतलब डाला फिर भी कोई ले सर लेगा, लेकिन कुछ और डाल दिया, आप किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डाल दिया तो मंथ थोड़ी पिक करेगा। वो बात वो सही है। सही है, मैं खाली खाली नवंबर 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 का नवंबर का पूछ पूछ रहा था रहा कि शॉर्टकट है, डाले या फिर उससे डाले कोई तो प्रॉब्लम, सेम ही उससे कोई आएगा। प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं डालता हूँ जून, JUNE, जी ले लिया ना सर, 1 जून ले लिया। बराबर। जी। चलिए अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कोड A5 जो दिख रहा है यहाँ पे, A6, A6 में डालना चाहता हूँ एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेंज E5, ए सॉरी A5, A6 सॉरी A6 डॉट EMP वैल्यू इक्वल टू EMP नंबर, और इसी को कॉपी करके यहां डालते हैं, ए हो जाएगा हमारा B6। B6 जहां पे हम डालना चाहेंगे नेम, क्या डालना चाहेंगे नेम, फिर यहाँ पे B6 की जगह पे आता है C6, C6 में आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट, और D6 में हम डालेंगे डेट, क्या डालेंगे D6 पे हम डेट, कौन सा डेट, पहला डेट, तो पहला डेट इसी से आ जाएगा, इसी को ले लेते हैं यहां डाल, लेकिन वो एक फॉर्मेट में आना चाहिए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, मंथ है, मंथ में मैंने डाल दिया मान एन ओ बी नवंबर, आ गया नवंबर, 22 नवंबर। लेकिन इसका फॉर्मेट अलग है ना बच्चा, इसका फॉर्मेट 1 नवंबर 2022 इस तरह का है। तो इस केस में लिखेंगे रेंज D6, और हमने आपको लास्ट क्लास बताया था कि हम तो यूज करेंगे नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, इसमें कर दीजिए DD/MMM/YY। अब देखिए 12 मुझे डालना, ए डालना पर, एक मिनट, नंबर फॉर्मेट और सॉरी, बार बार मुझे एम डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मैनुअली इसको कर देता हूँ डेड, बाद में लास्ट में एक्टिवेट करूंगा मैं, और फिर यहाँ लिख देता हूँ एम इक्वल टू NOP, ठीक है सर। क्योंकि तो मुझे हर बार चेक करने पड़ेंगे ना कि मेरा कोड वर्क किया नहीं किया। अब मुझे यहाँ E6 में इसको +1 करना है, क्या करना है +1, तो रेंज E6.value इक्वल D6+1, ठीक है। और इसको हम करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां 2 आ गया। अब मुझे इस महीने, जो महीना यहां डला है, इस महीने का लास्ट डेट निकालना है और उसी हिसाब से इसको आगे तक लेके जाना है। तो एक और हम वेरिएबल यहां पे लेते हैं D=day, डे के अंदर हमने डाल दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और ईओ मंथ के अंदर अब देखिए ये मुझे बार बार मुझे यहाँ कंबाइन कर, यहां भी कंबाइन करना पड़ा, यहां भी कंबाइन करना पड़ा, क्या सर। तो क्यों ना मैं यहाँ एक DT नाम का ले लूं वेरिएबल, और DT के ऊपर, क्योंकि तो मुझे यहां भी DT डालना है ना, इसको कंबाइन कर, तो यहाँ ये वेरिएबल वगैरह किस कंडीशन में लेते हैं ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा मुझे अभी बता रहा हूँ ना कि इस पे देखिए ये डाल दिया हमने DT डाल दिया। अब देख रहे हैं आपको यहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ा मुझे, अब मुझे यहाँ भी इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना सर। तो मैंने अब लगा दिया एक जगह पे फॉर्मूला, और बाकी जगह पे जस्ट अब DT डाल देंगे। यहां पे सिर्फ क्या डलेगा DT, यहां क्या डलेगा, यहां पे एक और जगह पे जस्ट DT, समझे। सर जहाँ हम बार बार लगा रहे हैं वहां मतलब एक जगह ही वो कर सकते हैं जैसे जी वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट जी, कर अब मैं सकते एक हैं। काम अच्छा करता सर हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। हाँ सर अब तो अब डी आ गया, डी पे मुझे निकल गया लास्ट डेट, क्या निकल गया लास्ट डेट। अब मैं इसको रेंज रेंज E6 को हमने लिया स्टार्टिंग पोजीशन, और कॉमा वापस हमने दिया रेंज E6 डॉट ऑफसेट, रो हमारा 0 होगा और कॉलन में हम बोल देंगे D-2 डॉट फिल राइट, अब एक बार करके देखते हैं इसको रन। अब देखते हैं कि कहां तक गया ये नंबर, डेट हमारा 30 नवंबर, सही है ना। तो हर महीने जो भी महीना हम जी। डालेंगे उस महीने के लास्ट पहुंच जाएगा, कैसे किया समझ में आ गया। जी। अब मुझे इसी को अब यहां कहां से A2 से क्या सर है ये भाई, डी माइनस टू को देखिए क्या मतलब है डी माइनस टू का। दो रो था ही ना, मुझे इसको आगे 31 तक लेके जाना था, कहां तक ड्रैग करना था, 31 30 सर तक। हम प्लस करते हैं ना इसमें।
नहीं ना, क्योंकि दो तो ऑलरेडी डेट है ना हमारे पास, डी मुझे टोटल डेट चाहिए, डी जितना डी का अकाउंट निकला है, दिख रहा है डी के अकाउंट में निकाला है। अच्छा डी आप यहाँ पे वेरिएबल पे जो कर रहे हैं, मैं डी कॉलम का ऊपर रहा हूँ। डी ने हमने यहाँ पे निकाला टोटल कितने नंबर ऑफ डेज है, मुझे उतना ही दिन का डेटा डेट चाहिए इस पे, तो दो तो ऑलरेडी डेट डल चुका है ना, ठीक है, तो उस पे दो मैनेज कर दिया, समझ गया उतना, और ऑफसेट में कॉलम लेके जाएगा और फिर राइट कर देगा। अब मुझे इसकी कॉलम की साइज चेंज करनी है, तो यहाँ हम करेंगे इसी कोड को लेंगे, देखिए इसी कोड को लेंगे यहाँ, बट इस बार E6 से नहीं D6 से लेके जाए, क्योंकि मैंने मैनुअली इसकी कॉलम की साइज बढ़ाई थी ना सर। तो D6 से लेके अब यहाँ पे हम -2 नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ ना, इसलिए D6 नहीं करेंगे। फिर राइट के जगह पे हम देंगे यहाँ पे एंटायर कॉलर डॉट ऑटो फिट, समझे, ये ऑटो फिट डबल क्लिक कर देगा, मतलब कि ऑटो फिट कर देगा, जितना बड़ा कॉलम की साइज चाहिए उतना बड़ा कॉलम का साइज कर देगा। एक बार रन करके देखते हैं। ये सर जो ऑफसेट किया हमने, ये E6 से हमने ऑफसेट किया कि D6 से ऑफसेट करना चाहते हैं, अच्छा ये हमारा E6 से D6 से करना चाहिए, D6 से करना, D6 से D रेट से ऑफसेट किया उसको, ऑटो फिट कर दिया, डायनेमिक हम इसलिए यूज करें ताकि डायनेमिक हो जाए डेट के हिसाब से। जी। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के मुझे इसका डे निकालना है, तो मैं यहाँ दूंगा आपके रेंज डी के रेंज D5 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला कुछ भी डाल दीजिए, और यहाँ पे इक्वल हमने डाला टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम यहाँ डालेंगे D6 और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे D एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड क्यों डाले पता है आपको, बता चुका हूं मैं। यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यह ट्यूजडे आ गया सर। अब मैं यहाँ रेंज D5 इन्वर्टेड कॉमा में D5 कॉमा रेंज D5 डॉट ऑफसेट 0, डी डॉट फिल राइट, एक बार करके देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। हाँ मुझे भी कंफ्यूजन है, एक बार देखता हूँ, रुके पूरा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, एक ज्यादा है एक माइनस करना है, क्योंकि ऊपर मैं दो माइनस किया था तो यहाँ एक माइनस करना, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया हमारा। अब मुझे जो है यहाँ पे पूरे को 16 तक मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉर्डर लगाना है, तो रेंज हम सुनेंगे ए ए 6 से कॉमा रेंज ए 6 डॉट ऑफसेट रो नंबर होगा 14, कॉलम नंबर होगा डी, इसमें प्लस करेंगे +3 +3, ठीक है, डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, बट मुझे D6 से नहीं करना चाहिए था, हमें तो ऊपर सैटरडे संडे को तो लेना है क्या, लेकिन मैं सैटरडे संडे को नहीं, क्योंकि मैं इसको आपस में क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ, नहीं लेना तो A5 से ही है, यहाँ A5 कर दीजिए और 14 के यहाँ भी A5, यहाँ 14 से हमें करना है 15 15 हो जाएगा। एक बार इसको रन करते हैं,
ये आ गया। अब मुझे इसको 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 क्या करना है, मर्ज करना है, क्या सर? तो तीनों को वन बाई वन करना होगा, रेंज ए फाइव टू ए सिक्स डॉट मर्ज इक्वल टू टू, ठीक है सर। अब इसको कॉपी किया यहां पेस्ट, और एक और पेस्ट किया यहां पेस्ट, ए की जगह पे बी हो जाएगा और ए आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी सर। उसके बाद इसको रन कीजिए। और सर मर्ज ट्रू नहीं होगा यहाँ पे, मर्ज सेल होता है उस पर ट्रू होता है, इसमें ट्रू नहीं आना। हो गया मर्ज सर? मर्ज अपना ट्रू हो गया सर, मर्ज हो गया जी। अब मुझे ए फाइव से लेके और सारा को कलर करना है, ये जो कोड हमने डाला है इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ए फाइव से रेंज फाइव 15 रो डी प्लस कॉलन सही डॉट बॉर्डर के जगह पे, नहीं यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे जीरो कॉलम होगा, दो दो रो होगा, दो दो चलना है डॉट। कलर के लिए क्या डालते हैं, इंटीरियर इंटीरियर सर, सर एक ही ऑफसेट करेंगे ना? हाँ एक करेंगे, हाँ ऑफसेट जीरो से चलता है ना, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन कर देते हैं या आरजीबी कलर डाल देते हैं। ओ ये तीन आपके यहाँ पे डी प्लस थ्री क्या है कर दिए, ये वन नहीं यहाँ जीरो ही होगा, यहाँ जीरो ही होगा, यहाँ जीरो ही होगा। इसको एक पे हटा देता हूँ, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, फिर कलर बात वही रह जाएगा ना, अब क्या होगा, ये क्यों नहीं किया? अगर ये वन करता हूं तो नीचे भी अच्छा, ये इसको वन मान रहा है ना सेल, मैं समझे इसको इस तरह से ले रहा है, समझे जी जी। तो मुझे यहां यहां से लेके चलना होगा, डी से लेते हैं, डी फाइव से लेते हैं और यहां करते हैं, या फिर सर मर्ज कर बार बार डालेंगे और पहले कलर कंफर्मेशन हो जाएगा ये कि फॉर्म में देखते हैं एक बार चेक करते हैं। ठीक है अब ठीक है सर, लेकिन एक ज्यादा ले लिया, अब माइनस यहाँ पे माइनस वन करना पड़ेगा। अब ठीक है कलर हो गया, एक सेकंड सर, हमने ए फाइव लिया, हमने यहां से नहीं यहां से ऑफसेट चला दिया, नहीं समझे, जोड़ी थोड़ी का स्टार्टिंग जो इसको तो स्टार्टिंग सेल चाहिए कि लास्ट का सेल क्या है, लास्ट का सेल मैनुअल डाल दे या किसी और कोड से ले ले, ठीक है। तो मर्ज होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके अब मैं किसी भी सीट पे जाऊंगा रन करूंगा तो ए रिपोर्ट बना देगा एक सेकेंड, दिखा ठीक है सर जी जी। बॉर्डर एक ज्यादा लग रहा है, हमें थ्री प्लस थ्री प्लस टू करना, अब देखिए जिससे सिप पे करके परफेक्ट परफेक्ट है जो सीट करना जी जी क्लियर है सर। अब आपको क्या, अब इसमें ये तो मैंने कर लिया मेरा, मैंने बताया था हमेशा कि आप प्रोजेक्ट जब भी करूंगा आधा मेरा होगा आधा आपका होगा जी जी। तो यहां मैं बना दिया, अब आपको क्या करना है, इसमें पहली चीज इसमें करना ये है, यहाँ पे
किसी और सीट से आपका एम्प्लॉय नंबर आप 15-20 लोग, अब यहाँ पे देखिए मैंने मैंने 20 किया होगा राइट, लेकिन आपके आपके एक सीट है जहाँ पे आपके एम्प्लॉयड के डिटेल्स है, जो एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सब डला हुआ है ठीक है एक सीट पे, तो वहां जितने एम्प्लॉय होंगे वो उतना कलर यहाँ करेगा। तो जो रो नंबर हमने 15 दिया हुआ है ना ऊपर ऑफसेट में यहाँ पे, ये 15 आपके एक सीट के अंदर जो डेटा है, एक फाइल के अंदर एक डेटा है या सीट के अंदर डेटा है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर दे पहली चीज, और वो एम्प्लॉय को नेम डिपार्टमेंट यहाँ ला के पेस्ट भी कर दे दूसरी चीज। तीसरी है कि जहां जहां सैटरडे एंड संडे है, मेरा वीक ऑफ सैटरडे संडे होता है, तो जहां जहां सैटरडे एंड संडे है वहां वहां ऑटोमेटिकली W/O डाल दे, क्या डाल दे W/O इस तरह से, और इसकी कलर कर दे येलो, क्या कर दे कलर येलो कलर कर दे, हो पाएगा मुझे करना, मुझे क्या करना है कि जितने मेरे एक एम्प्लॉय डेटाबेस है जितने जितने ही एम्प्लॉयड है उतने ही एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम डिपार्टमेंट फादर नेम करके उसी एम्प्लॉय का बॉर्डर शॉर्डर लगा दे जितने भी। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा तीसरा जहां जहां सैटरडे एंड संडे है उसका कलर कर दे येलो, और सैटरडे एंड संडे पे डाल दे वीक ऑफ। ओके ये आप कर लीजिए। इसके अलावा आगे भी है जैसे हॉलीडे, जहां जहां हॉलीडे लिस्ट है जहां जहां हॉलीडे है उसको भी कलर और कर दे उसमें हॉलीडे डाल दे, ये चीज भी है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग उस नहीं कर पाइए, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए लगाइए इसमें कि जहां जहां लीव हो वहां वहां कलर हो जाए, जहां जहां एब्सेंट हो वहां वहां कलर हो जाए ऑटोमेटिकली जब लगे तो डेटा डले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना है सब आपको विवेक थोड़ा लगाना है, और भी जो इसमें कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कीजिए ठीक है सर जी सर। सर